भाई 5 रुपये में समोसा और शुद्ध देसी घी का घेवर। राम राम दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो भाई बड़ी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज हम जानवा कर यहाँ एक घेवर की दुकान पर जो कि बहुत ही मशहूर है। तो आप लोग भी बने रहिए और देखियो, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा किस तरह वे बनावे हैं, किस तरह की उनकी दुकान है। अभी दोस्तों हम भटाणा गांव से चले हैं और देखो मौसम भाई हल्की हल्की बरसात आने लग रही है। और बाहर का मौसम मैं आपने दिखा दूं तो बड़ा सुहावना मौसम है, धान के खेत है भाई, चारों तरफ हरियाली, आज बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच गया घेवर की दुकान पे। भाई दुकान नहीं, मैं तो इसने होटल कहूंगा, घेवर का होटल है दोस्तों। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे देसी घी से घेवर बनाया जा है। तो सबसे पहले मैं अपने लोकेशन बता दूं कि यो जो घेवर का होटल है भाई, यो कहां पर है। अभी हम आ दोस्तों सैदपुर गांव में, ये सामने आपने दिखाई दे गौशाला सैदपुर गांव की, और इसी गौशाला के अंदर ये बहुत बड़ी घेवर की दुकान है। यो रोड कर खोदे से आया है और यो चला जा है ओचंदी बॉर्डर की तरफ। ये दोस्तों दुकान वाला ने भाई बोर्ड लगा रखा अपना, शुद्ध देसी घी व छत्तीसगढ़ की शुद्ध खांड का, घेवर ना लाभ ना हानि। तो अभी चलते हैं दुकान की तरफ, काफी भीड़ हो रही है, गाड़ी आप देख सको कितनी सारी गाड़ी रुक रही है यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों दुकान की तरफ और देखते हैं भाई किस तरह से ये घेवर बना हुए हैं और कितने प्रकार का घेवर है, और जो इनका समोसा है भाई 5 रुपए वाला वो किस तरह का है, और के सामान इस दुकान पे आपने मिलेगा। तो ये देखो भाई काफी सारी भीड़ हो रही है, लेनिया लाइन में लग रहे हैं और काफी तेजी तक काम चल रहा है भाई घेवर का। घेवर बनाने का जो काम है बहुत सारे कारीगर हैं। यो देखो यो भाई खोवा का डन लग रहा है, और भाई साहब ठीक हो? यो देखो भाई खोवा निकलन लग रहा है, और दुकान के मालिक से भी बात करांगे भाई, ये कड़े से दूध लेकर आए हैं, किस प्रकार के खोवा बनाए हैं और भाई कितना शुद्ध जो है इनका खोवा रहा है। तो यहाँ पर चलना तो साथियों देखो भाई यो घेवर बनन लग रहा है, देखो इस तरह से देखो, थोड़ा थोड़ा यो जो इसका बैटर है इसने थोड़ा थोड़ा डालना है इसके अंदर, और फिर इस तरह का लावा है। तो भाई जब ये घेवर तैयार हुआ है, और बड़ी बड़ी भट्टी लगा रखी साथियों, ये यहाँ पर 2 भट्टी है, एक पंखा लगा दिया बीच में, इस तरफ भी आज जा है और इस तरफ भी। घेवर बनाने के लिए यहाँ कोयले का प्रयोग किया जा है जो कि अच्छा रहा है। और भाई कसूती भीड़ लग रही है दोस्तों, जो घेवर है घेवर देखो भाई, मावे का बगैर मावे का, जो मावे वाला है ये बगैर मावे का है, और कारीगर भाई पूरी स्पीड पे लागे रहे हैं। तो देखो किसी का तोलन लाग रहा है भाई, ये चढ़ा दिया भाई पूरा का पूरा, क्या बात है। तो भाई भीड़ देखो आप लोग, लेनी है कि काफी सारी भीड़ लगी रहे है, और यह इनकी रेट लिस्ट है भाई, सादा घेवर 300, दूध घेवर 350, मावे वाला है 400 रुपये, जलेब 250, और समोसा भाई 5 रुपए का। और ये इनके जलेब हैं भाई, ये भी देसी घी में बना है, यहाँ पर देसी घी का प्रयोग हो है। दोस्तों मावा निकालने के लिए देखो दूध के बड़े बड़े ड्राम यहाँ पर रखे हैं, और मावे की भी भाई कई कढ़ाई चढ़ा रखी है, और अंदर दोस्तों अंदर भी बड़े पैमाने पर जो है घेवर उतारने का और मावा निकालने का काम चालू है, वो भी आप लोग दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे समोसे उतरने लग रहे हैं, और भाई यो इनका वो समोसा है जो ये मात्र 5 रुपए में दे हुए हैं। 5 रुपए में समोसा तो भाई भारत में मुश्किल तक किसी जगह पे मिलता होगा, लेकिन ये 5 रुपए में दे हैं, साथ में ये चटनी दे हैं समोसे के, और समोसे भाई पूरे बड़े हैं, ये नहीं है कि भाई 5 रुपए में छोटा समोसा है, जितना साइज हो नॉर्मल वो इनका साइज है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे भी उतरे जहाँ साथ में, और ग्राहका की लाइन आपने देखी होगी इस तरफ भी, और ये देखो इस तरफ भी भाई काफी भीड़ रहा है इस दुकान पे। तो अभी ओनर से बात करांगे साथियों, और पूछांगे भाई किस तरह से यो सेवा करे है, कितना दान दे है गौशाला में, और जो घेवर और जो मावा बना है उसमें किन किन चीजों का ये यूज करे हैं। तो अभी मालिक से बात करते हैं एक बार। तो अभी दोस्तों हम अंदर पहुंच गए हैं, सामने गौशाला है, और ये देखो भाई एक गाड़ी आई है, खाली डिब्बे डिब्बे, पूरी गाड़ी फुल भरी है डिब्बे की, और यहाँ पे सबसे ज्यादा माल जो है वो यहाँ पर तैयार हो है, क्योंकि वहां जो तैयार हो है तो वहां से पूर्ति नहीं हो पाती, यहाँ तैयार करना पड़ा है। आपने दिखा दूं मैं, ये देखो यहाँ पे भी ये कारीगर बैठे हैं, और भाई यहाँ पर 4 भट्टी हैं, 3 चालन लाग रही हैं और एक बंद कर रखी इनने। ये इस तरह से भट्टी बनाई गई भाई, क्योंकि खपत बहुत ज्यादा है, काफी सारे कारीगर काम कर रहे हैं,
यो घेवर देखो दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या में घेवर बनाया था भाई, पहली बार देखा मन ना। यो भाई घेवर का जो बैटर है उसने तैयार करने लग रहा है, इसमें के मिला हो भाई साहब? इसमें भाई घी मिल रहा है, मैदा मिल रहा है, आटा बेसन और बर्फ। इसमें बर्फ का भी यूज हो दोस्तों, बर्फ भी मिलाई जाए इसमें जब जाके घेवर का बैटर तैयार हो। इस तरफ चलना तो साथियों जो समोसे बने भाई उनके लिए देखो, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर भाई आलू छोले जा हैं। हर एक कारीगर अपने अपने काम में लाग रहे हैं, बिजी हैं। और यह समोसे की चटनी तैयार करी जाए यहाँ पर भाई, और ये समोसे बनने लाग रहे हैं, ये हमारे हलवाई साहब बन लाग रहे हैं भाई बड़ी स्पीड पे। तो इस तरह से ये समोसे तैयार कर रहे हैं और वो भाई मसाला बनने लाग रहा है समोसा में। यह भी तगड़ी कारीगरी हो दोस्तों, समोसे सब न बनाने नहीं आते, ये हलवाई ये बना सके हैं। आप यहाँ पर आओगे दोस्तों, आपने घेवर ही घेवर दिखाई देगा। ये देखो भाई यहाँ पर घेवर पे मीठा चढ़ाया था साथियों, ये देखो चाशनी का कितना बड़ा ड्राम है। इस ड्राम से यहाँ पर मीठा चढ़ाया था इसके ऊपर, और जो एक्स्ट्रा मीठा है वो नीचे कढ़ाई में निकल गया है। फिर ये घेरा ना इस तरह रखते हैं और फिर दुकान पर पहुंचा दे हैं बाहर की तरफ। दूध से मावा निकालने का काम यहाँ पर होता है, एक इस तरफ है भाई। काफी मात्रा में घेवर और मावा यहाँ पर तैयार कर दोस्तों, ये निकालने लग रहे हैं। तो एक बार अभी ओनर से बात करांगे और पूछांगे इस घेवर के बारे में। अभी मैं जो दुकान के ओनर है भाई राकेश मलिक जी, इनसे बात करते हैं भाई किस तरह से इन्होंने इस काम की शुरुआत करी और कहां से आइडिया आया। तो राकेश भाई मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई का भी स्वागत है, आया मेरे दोरे जयसवाल भाई का। तो राकेश भाई ये बताओ, आपने यो घेवर बनाने की मतलब कहां से दिमाग में आइडिया आया, और या सेवा करने की सोच जो आपकी वह कहां से आई, आइडिया कहां से आया आपको? यो मैं 2014 से भाई राजीव दीक्षित थे। अच्छा। उनके मैंने व्याख्यान सुने यूट्यूब पे, वो देखे भी ना थे मैंने, तो उनके व्याख्यान ना थे मैं प्रेरित हो गए। मैंने जैसे समाज में मैं घूमया फिरा और पता लगा कि भाई समाज में बहुत प्रकार की उल्ट सुलट काम हो रहे हैं भाई, मिठाइयाँ का लेख है भाई, वो काफ़ी गौशाला का लेख है, गौशालाएँ भी बंद हो ली। मैं मैंने ऐसे विचार करा कि ऐसी एक रिसाइकिल चलाऊंगे जिसमें सबका फायदा हो जी। समाज का तो होए होए तो गेला गेल देश का भी फायदा हो, और युवाओं का भी, किसान का भी, देसी गौ माता का भी। बिल्कुल। तो मैंने यो 2020 में खांड का खांड तो मैंने पता लगा कि भाई खांड उत्तर भारत में कितों भी मिठाई नहीं बनती। अच्छा। सरकार चीनी में ज़्यादा फोकस कर रही है कि चीनी क्यों केमिकल आता है वाश करी जा है, और वो मेरा आजकल सरकार के अच्छे अच्छा मुनाफा होने लग रहा है, बड़े बड़े मिल आते हैं। हाँ। तो उसमें और जो हम चीनी खा रहा है उससे नुकसान होने लग रहा है। बिल्कुल। आम लोग का वगैरह, तो उसमें जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है उनने भी बहुत फायदा होने लग रहा है। हाँ। क्यों मरीज ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ हमने ये विचार करा कि भाई चीनी ने हमें रसोईया में डटाओगे वो अभियान शुरू करेंगे। तो उसके साथ साथ हमने फिर खाने का अच्छे से टोड़ा बाजारा में भी देखा, दुकानों में भी देखा, तो सब चीनी पीस का मिक्स करन लग रहे। अच्छा। हाँ, जो भी सब बड़ा घोटाला होने लग रहा खाने के नाम था, चीनी के चला रहे पीस पीस कर। तो फिर हम जैसे घूमे, हम चार मित्र है, तो हम गए, हम छत्तीसगढ़ गए, तो उड़े था हमने खाने का, उड़ेगी मिट्टी में जैसे खरपतवार नहीं होती। अच्छा। तो खरपतवार नहीं होती, तो पेस्टिसाइड से ये जो स्प्रे वप्रे जैसे अपने आड़ा हो ना। हाँ। ये उड़ लगते नहीं ना, मात्र जो करे ना जो एरिया ना वो थोड़ा सा गरीब एरिया था, उड़े था हम खांड लेकर आवे है, तो उड़े जो जो ये स्प्रे पेस्टिसाइड ये यूज ना होते, और यूरिया डीएपी भी ना मात्र वजूद हो, मतलब नेचुरल तरीके का गंडा पैदा हो। अच्छा। तो उससे क्या हम खांड बनावा, तो इससे चाय सब कुछ बना लो वो पटेगी नहीं। तो उस तरह हमने ये चीज़ देखा, हम खांड का प्रचार करेंगे, खांड के प्रचार के साथ साथ मिठाई भी तैयार करेंगे। अब मिलावट के खिलाफ ये हमारी जंग है, मानवता ने बचाने का हमारा ये मेन उद्देश्य है। तो उसके साथ साथ हमने फिर शुरू करा भाई, अगर 2020 में मिठाई शुरू करी मैंने अपने गाँव से, उड़ा हमने मिठाई बनानी शुरू करी, तो लोगों ने बहुत पसंद आई। उसके साथ खरीदार भी ज्यादा बढ़ गए और खाने का भी गेला गेल प्रचार होने लग गया। फिर हमने एक और इसके साथ जोड़ा है भाई, इसके साथ जो किसान वह दूध लेंगे और किसान ने अच्छा दाम देंगे, हम अच्छा दाम देगा, उसके साथ साथ उसने भी अच्छा पैसा मिल लगा दूध का भी प्रचार होगा भाई। बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ किसान अपनी खेती बाड़ी में अपने भाई बच्चा में शिक्षा में पैसा लगा पाओगा, क्योंकि आजकल देख रहे हो महाराष्ट्र में भी काफी किसान फांसी खा के मरे हैं, बहुत ज्यादा मरे।
तो फिर हमने उससे देखते बच्चों तान लग रही है तो हमने एक और विचार करा कि भाई भी वो पैसा देसी गौ माता के लिए गौशालाओं में देंगे, क्योंकि गौशालाएं आज बंद होने के कगार पर है। हाँ, ध्यान नहीं है ज्यादा, ध्यान नहीं है कि दान इसलिए नहीं है कि भाई सब पैसे के पीछे लग रहे हैं, और जो गौशालाएं है वो चलती है सामाजिक समाज तक, समाज दूर हटने लग रहा है इन चीजा तय। तो हमने समाज में जो ये एक उद्देश्य बनाया कि हम ऐसा काम करेंगे उससे चारों तरफ का कार्य हो जाए एक साथ। बहुत बढ़िया, एक पत्त है, किसान को भी फायदा, गौ माता को भी फायदा, और जो भाई इतने सारे कारीगर लग रहे, देखो इन्हें भी रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनकी मैसेज जान लगे राजा से। आप कोई भी एड देखो टीवी में, हाँ। वो क्या करेगा, बार बार अपनी एड दिखाऊगा। हाँ, हम भी ये काम कर रहे हैं, जैसे आप जैसे भाई आओ हो मीडिया वाले, मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा इतनी सपोर्ट कर रहे हो। बार बार ये वीडियो मेरी आ रही है, तो इसका यही उद्देश्य है सिर्फ भाई, खांड 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 मतलब रसोई में चीनी हटाओ, खांड लेकर आओ। मेन मकसद आप कभी भाई चीनी यूज नहीं करनी, चीनी जहर है, बिल्कुल जहर है, बिल्कुल। तो उन चीजों में हम काम कर रहे हैं, मेरा इतना ज्यादा उद्देश्य नहीं है कि भाई घेवर बेचना जरूरी है जी। लेकिन राजीव भाई का भी यही उद्देश्य था कि भाई चीनी को हटाओ, चीनी खुआओ गोरा ने, अरे मारे हिंदुस्तानिया ने खुआओ खांड और गुड़ और काकरी, रबड़ी देखी जो गुड़ की वह इतनी अच्छी हो है, मतलब उसके बहुत फायदे है। सरसों का तेल आज खत्म हो गया रसोईया में, उसके लिए समोसा हम इसलिए लेकर आए कि भाई सरसों के तेल ने हमें प्राथमिकता देंगे, वो सरसों का तेल भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इन चीजा भैया काम कर रहे हैं, हमारे भाई राजीव दीक्षित का जो अभियान था उसने हमारे बढ़ाने का कार्य कर रहे। बहुत बढ़िया, तो भाई जो है राजीव दीक्षित से प्रेरित है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजीव दीक्षित जो थे वे स्वास्थ्य के प्रति बड़े गंभीर रहे अगर, और उनकी काफी सारी वीडियोज आप लोगों ने देखी होगी। तो भाई या तो होगी खांड की बात, और जो आपके समोसे हैं उसका रेट आपने 5 रुपए कर रखा है, तो शुद्ध सरसों के तेल में आप समोसे उतारो। हाँ बिल्कुल, तो 5 रुपए में नुकसान तो नहीं होता होगा? नहीं, नुकसान तो हो है। अच्छा, लेकिन क्या है कि जैसे नुकसान के साथ साथ ना, वही तो मैं कहने लग रहा हूँ मिठाई का बेचने का मेरा उद्देश्य नहीं इतना ज्यादा। मेरा उद्देश्य है बार बार भाई खांड सरसों का तेल, खान सरसों का तेल अपनी देसी चीज यूज करो। दिमाग में भाई किसान का को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यो है कि किसान की खेती को आगे बढ़ाने का यो सबसे अच्छा उद्देश्य है। गन्ने की धीरे धीरे कम हो रही थी, सरसों अब दोबारा इतनी ज्यादा पैदा होने लगी अपने यहाँ, आप भी देख रहे हो हरियाणा में है, अब तो अच्छा दाम मिल जाएगा, उसकी खपत होगी, यूज करेंगे हम रसोईया में दोबारा, रिफाइंड और बाकी जो खतरनाक तेल आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है कि मार्केट में जो खतरनाक तेल आ रहे हैं उन्हें बचते हुए अपनी खुद की सरसों का तेल निकलवाओ, अपनी रसोई में लेकर आओ, स्वस्थ रहो। तो भाई जी ये तो होगी खांड की बात होगी, समोसे की आपकी बात होगी, 5 रुपए में आप समोसा दो हो, और जो घेवर अपना वो कितने प्रकार का बनाओ आप? वो घेवर होता दो प्रकार का है, अब बड़े बड़े दुकानदार है वो अलग अलग प्रकार का पेश कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। उसने कुकर भी वो निकाल रहे भाई गोल मोल कर कुकर बेच लो कुछ चीज ने। हाँ। सीधी सी बात है, उसमें दो प्रकार का घेवर हो, सादा और दूध का। हाँ। सादे में सादा वो है कम सकाई का, और उसमें जो दूध का उसमें ज्यादा सकाई हो है, दूध पड़े है, और उससे वहां मावा चढ़ावा, 3 प्रकार का हमारे दो, सादा दूध का मावे, सादा दूध का मावेगा। तो एक बार रेट और बताओ भाई जी, घेवर का 300 है, दूध का 350 है, मावे का 400, मावे का 400। और जो जलेबी बनाओ, जलेबी खांडे में बना हुआ हमें खांड, चीनी दाम बिल्कुल यूज नहीं करते हो, 250 किसी भी चीज में चीनी यूज नहीं होती, बिल्कुल यूज नहीं करते, मतलब जलेब की चाशनी हो, घेवर की चाशनी हो, हर चीज में खांड प्रयोग करो। चाय भी मारी बनाए वो खांड में बने भाई, चाय भी पी थी दोस्तों, चाय भी बहुत स्वाद लगी भाई ने, खांड की चाय पिलाई। तो भाई का कहना मानो, मेन उद्देश्य की है दोस्तों, जो आपकी रसोई में सफेद जहर है ना चीनी, भाई इसको दूर करो। हाँ बस वही उद्देश्य है हमारा, मारा गया और अच्छा लग ले जाओ, ना लग मत ले जाओ। बिल्कुल नहीं, हमने देखा भाई, हम 2 घंटे से जा रहे हैं यहाँ पे, काफी दोस्तों दुकान पे भीड़ नहीं टूटती, इतनी गाड़ी रुक गए हैं, क्योंकि देखो एक आदमी ले जाए कोई चीज उसने अच्छी लग गया है तो वो पाचा तो बताओगा, अरे भाई भीड़ जोड़नी हर किसी बस की बात नहीं है, क्योंकि भीड़ वहां पे जोड़ेगी दोस्तों जहाँ पे बढ़िया सौदा मिलता हो, देसी सौदा मिलता हो। इसका एक ये भी देखे हमने, कस्टमर बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हमारी अच्छी चीज है, चीज अच्छी पसंद आ रही है। हाँ। और परिवार और ज्यादातर परिवार वाले लेके जाओ, फैमिली वाले, फैमिली भी आवे पूरी, बच्चे हाँ। भी आवे उनके साथ है, और वो खावे भी है, और वो खा के उसका मतलब रिपीट कर रहे हैं बार बार, दोबारा आ रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। तो जलेब अपने के भाव है भाई? 250 जलेब है, 5 रुपया समोसा है, और घेवर का रेट है भाई ने बता दिया सारा सब कुछ। तो एक किस्म का साथियों भाई सेवा ही करने लग रहा है। अच्छा गौशाला, और मैंने
आपके बोर्ड पे देखा तो गौशाला में भी मतलब आप कुछ नहीं, ये जो हमारा ये मैं बताऊंगा ना आपने जो हम खर्चा निकाल लेंगे सारा अपने जितना भी लागत है खर्चा है भाई जो मजदूर है इनका सारा मिला के लकार गए हमें और फिर जो बचत आवेगी ना वो हम सारी गौशाला में दे दे। बहुत बढ़िया भाई, पिछली बार भी हमने लगभग 6-6.5 लाख रुपए गौशाला में डोनेट करी, बहुत बढ़िया बचत आई। सबसे मेन चीज तो भाई की बात आपने सुन ली होगी दोस्तों, राजीव दीक्षित का फैन है तो आप समझ गए होंगे भाई किस प्रकार भाई का दिमाग है और किस प्रकार आचरण में भाई बहुत बढ़िया है और काफी अच्छा लगे आज दुकान पर आ गए। तो राकेश भाई मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो समाज के लिए आप अच्छा काम करो। देखो आपका भी काम चल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य भी खिलवाड़ नहीं हो सकता इस तरह, क्योंकि हांड यूज करो आप, चीनी यूज करते हैं, सारी चीज आगे देखो पहला अच्छा लग गए खा गए फिर अपने लेकर जाओ तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, सभी को राम राम। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर दियो, इसने लाइक कर दियो। राम राम दोस्तों।